जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मुगल डायनेस्टी। देखिए, मुगल डायनेस्टी जो है वो मेडविल इंडिया की, अगर हम बात करें मेडविल इंडियन हिस्ट्री की, तो दिल्ली सल्तनत के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट डायनेस्टी है। मुगल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा वो 1526 से लेकर के और 1857 तक रहा। मतलब मुगलिया सल्तनत की अगर हम बात करें तो इनके जो बादशाह रहे हैं वो 1526 से लेकर के और 1857 तक रहे। अब इस ड्यूरेशन में बीच में अगर हम बात करें 1540 से लेकर के 1555 तक का जो ड्यूरेशन था, इस दरमियान एक दूसरा ही एम्पायर दिल्ली की कुर्सी पर बैठा था, वो था सुर एम्पायर, या हम कहें सुर डायनेस्टी, जिसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। ठीक, तो इनको ने जो उस वक्त मुगल सल्तनत के बादशाह थे हुमायूं, उनको हराया था और मुगलिया सल्तनत 15 साल के लिए 1540 से लेकर के 1555 तक जो रही वो मुगलिया सल्तनत दिल्ली पर नहीं रही। दिल्ली पे उस वक्त किसका शासन रहा? सुर एम्पायर का, किसके नेतृत्व में? शेरशाह सूरी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी जितना भी ड्यूरेशन रहा वो मुगल वंश का ही रहा, मुगल डायनेस्टी का। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने बाकी सारी डायनेस्टीज को पढ़ा। जैसे कि पहले हम इनमें लाइन से इनके सारे शासकों को देखेंगे, कौन कौन से शासक रहे, कब कब उनका ड्यूरेशन और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। उसके बाद फिर हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बाद फिर इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखेंगे, ठीक है, लिटरेचर कौन कौन से रहे, ठीक, ये सारी चीजें। तो बिल्कुल वैसे ही सीक्वेंस में पढ़ेंगे जैसे कि हमने बाकी डायनेस्टीज को पढ़ा था। अब यहां पर बात यह है कि हमें मुगल डायनेस्टी दो भाग में पढ़नी है, ठीक है। मुगल डायनेस्टी जो है वो हमको दो पार्ट्स में पढ़नी है। एक पार्ट है 1526 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, ये पहला पार्ट है। और अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट जो है वो है 1707 से लेकर के 1857 तक, ये दूसरा पार्ट है। 1526 से लेकर के 1707 तक जो भी मुगल सुल्तान हुए, ठीक है, मुगल बादशाह हुए, उनको प्रारंभिक मुगल, ठीक है, या प्राइमरी मुगल कहा गया या मेन मुगल कहा गया, ठीक है। मतलब 1526 से लेकर के 1707 तक, ठीक है, जो रहे वो रहे प्रारंभिक मुगल, या जिसे हम कहेंगे मेन मुगल्स कहलाए जाते, ठीक है। और 1707 से लेकर के 1857 तक जो मुगल बादशाह रहे वो सारे क्या कहलाते हैं? लेटर मुगल्स। वो क्या कहलाते हैं? लेटर मुगल्स, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी को हमको दो भाग में पढ़ना है, एक 1526 से लेकर के 1707 तक और फिर 1707 से लेकर के 1857 तक, ठीक। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो 1526 से लेकर के 1707 तक है, ठीक है, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का पार्ट है, मतलब मेडविल इंडिया, ठीक है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं मेडविल इंडियन हिस्ट्री, 1526 से लेकर के 1707 तक का जो पार्ट है वो मेडविल हिस्ट्री का पार्ट है, और उसके बाद फिर 1707 से लेकर के 1857 तक का जो पार्ट है ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो मुगल डायनेस्टी जो है वो आधी मेडविल में है और आधी मॉडर्न में है, ठीक है। देखिए, अभी हम इसके बाद जितने भी एम्पायर्स पढ़ेंगे, जैसे अभी हम मुगल डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, मुगल डायनेस्टी के बाद फिर हम मराठाओं को पढ़ेंगे, मराठाओं के बाद फिर हम सिखों को पढ़ेंगे, तो ये सारे जितनी भी डायनेस्टीज रही हैं, जितने भी वंश रहे हैं, इनका कुछ पार्ट मेडविल हिस्ट्री में आता है और कुछ पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं अगर मुगल डायनेस्टी पढ़ा रहा हूं तो सीक्वेंस में पूरी मुगल डायनेस्टी पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर वहां पर मेडविल हिस्ट्री को भी कवर होगा और फिर मॉडर्न हिस्ट्री भी उसमें कवर होगा। मतलब 1707 के बाद से जितने भी बादशाह रहेंगे वो किस में आएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, क्लियर है, ठीक। तो यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री और मेडविल हिस्ट्री इन दोनों के कॉम्बिनेशन के तहत होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एक ही बार में पूरा सीक्वेंस खत्म करना है। तो मुगल डायनेस्टी जो हम पढ़ेंगे वो पूरी शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे एक ही बार में, 1526 से लेकर के 1857 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो देखेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम मराठास भी पढ़ेंगे, मराठाओं के बारे में भी, तो भी शिवाजी से लेकर के, ठीक है, और बाजीराव सेकंड तक पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। देखिए,
आपको इसमें एक चीज समझ में आएगी कि इसी टाइम पर पैरेलल में, जैसे अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगलों के ही पैरेलल में आपको मराठा भी दिखेंगे, इन्हीं के पैरेलल में आपको सिख भी दिखेंगे, इन्हीं के पैरेलल में आपको बंगाल में एक अलग सल्तनत दिखेगी, और इन्हीं के पैरेलल में आपको अंग्रेज भी दिखेंगे, ब्रिटिशर्स भी दिखेंगे, ठीक है। तो मतलब पैरेलल में सीक्वेंस में चलेंगी सारी चीजें, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा, ठीक है, पहले तो इसीलिए हम एक डायनेस्टी को पूरा पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे के बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो समझ में आया कैसे हमें मुगल वंश को पढ़ना है, 1526 से लेकर के 1707 तक जो प्राइमरी या मेन मुगल्स थे, और उसके बाद 1707 से 1857 तक जो लेटर मुगल्स थे, ठीक है। तो दो भाग में हमें इसको पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मुगल डायनेस्टी। बहुत बड़ी डायनेस्टी है, बहुत अच्छे से, बहुत धैर्यता से और बहुत अच्छे से इसको समझना है आपको। एक एक पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट विद मुगल डायनेस्टी। अब देखिए, मुगल डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मुगल डायनेस्टी कब पिक्चर में आई? देखिए, एक डेट आपको याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526, ये डेट आपको याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526 को इस दिन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है। पहला बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1526 में, 21 अप्रैल को। इसमें एक तरफ थे दिल्ली सल्तनत के उस टाइम के सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ मुगलिया सल्तनत के थे बाबर, ठीक। तो इस युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ, एक तरफ इब्राहिम लोदी थे, दूसरी तरफ बाबर थे। बाबर ने यहां पर इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत को दिल्ली से खत्म किया, ठीक। और किस वंश की स्थापना करी? मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टी की स्थापना कब हुई? 1526 में। किस युद्ध के दरमियान? पहला पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को, ठीक। और वहीं से मुगल डायनेस्टी स्थापित हुई, ठीक, और उसके बाद फिर वो कंटिन्यू करी। तो अगर हम बात करें मुगल डायनेस्टी की, तो मुगल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? बाबर। फाउंडर कौन थे? बाबर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले शुरुआत करनी है मुगल डायनेस्टी से, बाबर से, ठीक है, क्योंकि बाबर सबसे पहले इनके मुगल डायनेस्टी के शासक थे और मुगल डायनेस्टी के फाउंडर भी माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इब्राहिम लोदी को क्या किया था? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे मुगल वंश में, वो पढ़ेंगे बाबर के बारे में, ठीक है। तो बाबर की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको इनके बारे में कुछ फॉर्डर पॉइंट्स याद रखने हैं वन डे एग्जाम्स के लिए। अगर बाबर की बात करें तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब मुगल वंश के संस्थापक कौन कहलाते हैं? बाबर, ठीक है। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो इनके पिता का जो नाम था वो था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। इसके बाद अगला बात करें, इनकी मदर की अगर हम बात करें तो इनकी मदर जो थी वो थी कुतलुंग निगर खन्नूम, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है कुतलुंग निगार खानम, कुतलुग निगार खानम, ये इनकी माता का नाम था, और उमर शेख मिर्जा कौन थे? बाबर के पिता थे, ठीक। इसके बाद अगला अगर हम बात करें तो बाबर का जो रीन पीरियड रहा, ये आपको याद रखना है। देखिए, मुगल वंश के जितने भी शासक थे ना, सबके आपको ड्यूरेशन याद रखना है। अभी तक मैंने ड्यूरेशन की बात नहीं करी थी, लेकिन अब जितने भी मुगल वंश के शासक आएंगे उन सबके ड्यूरेशन आपको याद रखना है कि उनका शासन काल कब से कब तक रहा। तो अगर हम बाबर की बात करते हैं तो बाबर का शासनकाल था 1526 से लेकर के 1530 तक, 4 साल इसने शासन किया। इसके बाद बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आज के उज्बेकिस्तान जो है, वहां पर एक जगह है फरगना, ठीक है। तो 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? फरगना, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो आपको याद रखना है बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 14 फरवरी 1483 को फरगना में, उज्बेकिस्तान। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर किस को बिलोंग करते थे? तो ये चगतई तुर्क एथनिसिटी को बिलोंग करते थे, मतलब कि ये चगतई तुर्क जाति को बिलोंग करते थे। मतलब बाबर की जाति कौन सी थी? चगतई तुर्क, ये आपको याद रखना है, चगतई तुर्क। तो बाबर की जाति कौन सी थी? चगतई तुर्क। इसके बाद अगर हम बात करें तो
बाबर असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 11 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर. ही वॉज 14th डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड एंड 5th डिसेंडेंट ऑफ तैमूर डायनेस्टी फ्रॉम हिज फादर साइड. देखिए, बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अगर हम बात करें तो बाबर के जो पिता थे कौन, उमर शेख मिर्जा, इनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी. उस टाइम पर बाबर जो थे वो सिर्फ 11 साल के थे. बाबर कितने साल के थे? 11 साल के थे. तो बाबर कितनी उम्र में गद्दी पर बैठे थे? 11 साल. ठीक है. और अगर हम बात करें तो इनके फादर की साइड से अगर हम बात करें तो ये तैमूर लंग के, जो तैमूर लंग जिनके बारे में अपन ने पढ़ा था, तैमूर लंग के बारे में, तैमूर डायनेस्टी याद करिएगा, मैंने तैमूर लंग के बारे में आपको पढ़ाया था. ये फादर की साइड से पांचवे वंशज माने जाते हैं, 5th डिसेंडेंट. मतलब कि तैमूर वंश की तरफ से पांचवा, मतलब इनके फादर की साइड से अगर हम बात करें तो ये तैमूर वंश के पांचवे वंशज कहलाते हैं. और अगर हम इनकी मदर साइड की बात करें, इनकी माँ की साइड की, तो ये चंगेज खान के 14वें वंशज कहलाते हैं. ये आपको याद रखना है. मतलब कि बाबर की दो साइड थी, एक तो पिता की तरफ से, तो पिता की तरफ से जो थे ये थे तैमूर के. और तैमूर के कौन से नंबर के ये थे? पांचवें नंबर के वंशज. और जो मदर तरफ से थे वो कौन थे? चंगेज खान के. चंगेज खान के भी बारे में आपने, मैंने आपको पढ़ाया, मंगोल. चंगेज खान कौन? मंगोल. इनकी तरफ से कौन से नंबर के थे? 14 नंबर के. ये मदर साइड से थे और ये फादर साइड से. ठीक है. तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है. 5th डिसेंट थे तैमूर डायनेस्टी के फ्रॉम दी फादर साइड, और 14th डिसेंट थे चंगेज खान के फ्रॉम दी मदर साइड. एंड व्हेन ही वाज जस्ट 11 इयर्स ऑफ ओल्ड हिज फादर वाज डाइड. ठीक है. और इनको गद्दी पर कब बैठना पड़ा? जब ये 11 साल के थे. ठीक. इसके बाद अगर हम बात करें तो बाबर फर्स्ट वांटेड टू कॉन्कर समरकंद. देखिए, ये फरगना जो थे ना, जहां ये पैदा हुए थे, उसी के पास एक जगह थी जिसका नाम था समरकंद. देखिए, बाबर कभी भी भारत नहीं आना चाहता था. बाबर के बारे में आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बाबर ने कभी भी भारत की तरफ आना नहीं चाहा. उसकी मजबूरी हो गई थी भारत की तरफ आना. मतलब आप समझिए, क्योंकि वो अपने होमलैंड पे कब्जा करना चाहता था. ठीक है. जहां पर एक उज्बेक नाम का राजा था जिसका नाम था शैवानी खान. ये नाम याद रखिएगा. ये नाम क्या है? शैवानी खान. ठीक है. इससे बाबर का युद्ध हुआ था 1502 में, 1502 में बाबर का युद्ध हुआ था, जिसको कहा गया बैटल ऑफ सरय पुल. ठीक है. तो सरय पुल का युद्ध लड़ा गया था शैवानी खान और बाबर के बीच में 1502 में. ठीक है. और 1502 में बाबर को शैवानी खान के थ्रू हार मिली थी और बाबर को अपना घर या अपना जो रीजन था उसको छोड़ के भागना पड़ा था. ठीक. तो बाबर कभी भी भारत पर रूल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी हो गई थी कि उसके अपने घर से शैवानी खान ने सरे पुल के युद्ध में उसको हरा करके और वहां से भगा दिया था. तो बाबर वहां से भागा था, उज्बेकिस्तान से, समरकंद से, क्योंकि बाबर शुरू से चाहता था कि मैं समरकंद पर राज करूं. लेकिन समरकंद पे राज नहीं हो सका. शैवानी खान ने उसको सरे पुल के युद्ध में हरा करके और वहां से भगा दिया. ठीक है. अब बाबर को जब वहां से भागना पड़ा, ठीक है, तो उसी टाइम पर अगर हम अफगानिस्तान के रीजन की बात करें, एट द सेम टाइम द पॉलिटिक्स ऑफ काबुल, काबुल मतलब आज का जो अफगानिस्तान वाला पार्ट, एट द सेम टाइम द पॉलिटिक्स ऑफ काबुल बिकम अनस्टेबल, टेकिंग एडवांटेज ऑफ विच बाबर टुक कंट्रोल ऑफ काबुल एंड गजनी रीजन इन 1504. देखिए, अब बाबर को समरकंद से भगा दिया गया. किसके द्वारा? शैवानी खान के द्वारा. तो समरकंद से, सेंट्रल एशिया से भागते हुए अब बाबर कहाँ आया? अफगानिस्तान में. ठीक है. और अफगानिस्तान में इसी समय पर राजनीतिक अस्थिरता आई. ठीक है. मतलब कि जो काबुल की राजनीति थी उसमें अस्थिरता आई. ठीक है. और देखिए, कभी भी कहीं पर भी राजनीति में अगर अस्थिरता आती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा जो उठाते हैं वो बाहरी उठाते हैं.
आप कभी भी देख लीजिएगा, किसी भी देश में अगर अस्थिरता होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा दूसरे देश के लोगों को मिलता है। तो ऐसे ही काबुल की भी जो अनस्टेबल पॉलिटिक्स थी, मतलब वहां की जो पॉलिटिक्स अनस्टेबल हो गई थी, इसी का एडवांटेज उठा करके बाबर ने काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया था 1504 में। ठीक है, तो 1504 में काबुल की पॉलिटिक्स की अनस्टेबिलिटी के कारण बाबर ने 1504 पे काबुल और गजनी पर कब्जा किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ काबुल, मतलब काबुल पर कब्जा करने के बाद बाबर रेनाउंस डाउन्स हिज एंसेस्ट्रियल टाइटल ऑफ मिर्जा एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ पातशाह, या जिसको हम एम्परर कहते हैं। देखिए, काबुल विजय के पश्चात बाबर ने अपने पुश्तैनी उपाधि, जो उसको पुश्तैनी उपाधि मिली थी, एंसेस्ट्रल टाइटल जो मिला था मिर्जा का। ठीक है, देखिए इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्जा, तो मिर्जा का टाइटल इसको मिला था। ठीक है, तो काबुल जीतने के बाद उसने मिर्जा का टाइटल को त्याग दिया था। ठीक है, मिर्जा के टाइटल को क्या दिया था, त्याग दिया था, और किसका टाइटल लिया था, पादशाह का, मतलब बादशाह का टाइटल। आप जितने भी मुगल सल्तनत के जितने भी आप देखेंगे राजा, सब के सब बादशाह थे। सुल्तान नहीं मिलेगा आपको, आप क्या मिलेंगे, बादशाह मिलेंगे। मैंने आपको बताया था इसके पीछे का रीजन। ठीक है, जो क्योंकि मुगल वंश के जितने भी शासक थे उन्होंने खलीफाओं से परमिशन नहीं ली थी, वो अपने आप को खलीफा मानते थे, वो इसीलिए अपने आप को वो क्या मानते थे, बादशाह मानते थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजा थे वो सब उन्होंने किनसे परमिशन ली थी, एक्सेप्ट खिलजी, किनसे परमिशन ली थी, खलीफाओं से, इसीलिए वो सुल्तान कहलाते थे, इसीलिए वो क्या कहलाते थे, सुल्तान। तो काबुल को जीतने के बाद बाबर ने जो उसको पुश्तैनी तमगा मिला था मिर्जा का, उसको उसने छोड़ दिया और किसका तमगा ले लिया, बादशाह का, जिसको हम एम्परर कहते हैं, या हम कहें बादशाह, बादशाह। क्लियर? तो बाबर ने बादशाह का टाइटल कब लिया, काबुल पर कब्जा करने के बाद। क्लियर हुआ ये आपको? ठीक, अब बाबर का काबुल पर कब्जा हो गया, अब इसकी जो कब्जे की नीति रहेगी, अब वो आएगी भारत की तरफ। ठीक, अब वो आएगी भारत की तरफ। तो अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि बाबर के, ठीक है, सबसे पहली बात तो भारत पर आक्रमण कहाँ कहाँ किया गया, उससे पहले हमें ये देखना होगा कि भारत पर आक्रमण करने के रीजन क्या थे बाबर के पास, मतलब बाबर ने क्यों भारत पर आक्रमण किया, क्यों वो अपने समरकंद की तरफ नहीं गया। काबुल पर कब्जा करने के बावजूद वो समरकंद की तरफ क्यों नहीं गया, वो भारत की तरफ क्यों आया बाबर। ठीक है, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड बाबर अटैकिंग इंडिया, बाबर ने जो भारत पर आक्रमण किया उसके पीछे के कारण क्या थे। तो सबसे पहले हम अटैक से पहले हम उसके कारण देखेंगे कि भाई किस कारण से बाबर ने जो था भारत पर आक्रमण किया। ठीक, तो सबसे पहले हमें यह देखना है रीजंस फॉर बाबर इन्वेजन इन इंडिया, भारत पर आक्रमण करने के बाबर के रीजन क्या थे। तो सबसे पहले रीजन की अगर हम बात करें, बाबर्स एम्बिशन, बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा था, बाबर के एम्बिशंस बहुत थे, सबसे पहला रीजन बाबर की महत्वाकांक्षा। अब इसमें पढ़ें, बाबर वॉज एन एम्बिशियस मैन, ही वॉज डीपली इंफ्लुएंस्ड बाय तैमूर लंग एंड लाइक हिम ही वॉन्टेड टू स्टैब्लिश अ वास्ट एम्पायर ही हैड हियर नाउ। तिमूर हैड बिल्ट हिज सेंट्रल एशियन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ इंडियन मनी एंड रिसोर्सेस वॉज स्ट्रेंथेड। देखिए, बाबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, सबसे ज्यादा वो प्रभावित था तैमूर लंग से, तो वो तैमूर लंग से बहुत ज्यादा अत्यंत प्रभावित था, तथा उसी की भांति वह एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। मतलब जैसे तैमूर लंग जो था वो एक वास्ट एम्पायर स्टैब्लिश करना चाहता था, वैसे ही बाबर भी वास्ट एम्पायर बनाना चाहता था, मतलब
विस्तृत साम्राज्य, विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, उसने ये सुन रखा था, ही हैड हियर्ड दैट तैमूर ने भारतीय धन और संसाधनों का सहारा लेकर अपने मध्य एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ किया था। मतलब ये उसने सुन रखा था कि हाउ तैमूर हैज बिल्ट सेंट्रल एशियन एम्पायर विद द हेल्प ऑफ इंडियन मनी एंड रिसोर्सेस। देखिए, आप जानते हैं तैमूर लंग जो आया था भारत को लूटने आया था, और उसने बहुत हद तक बहुत बड़े पैमाने पर लूट की थी, और उसके लूटने का कारण भी यही था कि सेंट्रल एशिया में उसको अपने एम्पायर को बढ़ाना था। क्लियर? तो उसने ये बातें बाबर ने सुनी हुई थी कि तैमूर लंग ने अपने सेंट्रल एशियन एम्पायर को बढ़ाने के लिए इंडियन मनी और रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो बाबर की महत्वाकांक्षा एक बहुत बड़ा रीजन था बाबर का भारत पे आक्रमण करने के। दूसरा रीजन, कंसीडर हिमसेल्फ एज द सक्सेसर ऑफ तैमूर लंग। देखिए, स्वयं को ये तैमूर लंग का उत्तराधिकारी मानता था। मैंने अभी आपको बताया था अपने पिता की तरफ से पांचवें नंबर का ये माना जाता था वंशज, अपने आप को मानता था किसका वंशज, तैमूर लंग का। तो आपको याद रखना है तैमूर लंग को ये क्या मानता था, अपना सक्सेसर। और दूसरा रीजन भी यही था तैमूर लंग के सक्सेसर मानने का कि इसने भारत पर आक्रमण किया। तो बाबर वॉज इन दी फिफ्थ जनरेशन इन दी लाइनेज ऑफ तैमूर लंग फ्रॉम दी फादर साइड, देयर फॉर बाबर यूज टू कंसीडर हिज राइट इन तीमूर्स टेरिटरी बिकॉज एट दैट टाइम तीमूर्स अटैक ऑन दिल्ली, तीमूर हैड मेंटेन्ड अथॉरिटी ओवर पंजाब, हैड इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर, सो बाबर कंसीडर्ड पंजाब एज हिज लेजिटिमेट राइट। देखिए, चूंकि बाबर जो था वो पिता की ओर से अगर हम बात करें तो खुद को तैमूर लंग का पांचवा वंशज मानता था। कितना वंशज था? पांचवा वंशज। तो इससे, ठीक है, इससे तैमूर के क्षेत्रों पर अगर हम बात करें, तैमूर्स की टेरिटरी पर बाबर अपना अधिकार मानता था। मतलब बाबर यूज टू कंसीडर हिज राइट इन तीमूर्स टेरिटरीज। मतलब देखिए, जब याद करिए आप, जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो तैमूर लंग ने दिल्ली पर अटैक किया था, इसके अलावा तैमूर लंग ने अपनी अथॉरिटी पंजाब में बनाई थी। अपनी अथॉरिटी कहाँ बनाई थी उसने? पंजाब में बनाई थी। ठीक है, तो इसी कारण से बाबर जो है पंजाब को अपना लेजिटिमेट राइट मानता था। मतलब वो ये मानता था कि भाई हमारे वंशज यहां आए थे, उन्होंने यहां पर पंजाब में अपना राज्य बनाया था, सारी चीजें करी, और उनका पांचवा वंशज मैं हूं, इसलिए मेरा भी इस पर अधिकार है। इब्राहिम लोदी के साथ जो बाबर का युद्ध हुआ था उसमें युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण पंजाब भी था, क्योंकि वो पंजाब वापस मांग रहा था बाबर। बाबर का ये कहना था कि हमारे पूर्वज तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्होंने दिल्ली पर अटैक किया था, और इन्होंने अपनी अथॉरिटी कहाँ बनाई थी? पंजाब में बनाई थी। तो बाबर ये मानता था कि पंजाब पर मेरा वैध अधिकार है क्योंकि मैं उनका वंशज हूं, तैमूर लंग का। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, चूंकि तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण करके, तैमूर के समय तैमूर ने पंजाब पर भी अधिकार बनाए रखा था, मैंने आपको बताया पंजाब वाले एरिया में उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। मतलब तैमूर ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद उसे अपने एम्पायर में मिला लिया था। ठीक है, तो बाबर ये मानता था कि पंजाब पर उसका वैध अधिकार है, लेजिटिमेट राइट। इस कारण से भी इब्राहिम लोदी से उसने पंजाब मांगा था और इब्राहिम लोदी ने पंजाब नहीं दिया था, इस कारण भी बाबर ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है स्वयं को तैमूर लंग का वंशज माना जाता था। अगला, अगर हम बात करें लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पेस इन सेंट्रल एशिया। देखिए, मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि बाबर अफगानिस्तान से भारत की तरफ क्यों आया, वो उज्बेकिस्तान अपने घर तरफ, समरकंद तरफ क्यों नहीं गया, सेंट्रल एशिया तरफ? तो उसका भी रीजन है, उज्बेकस इन सेंट्रल एशिया हैड एस्टैब्लिश्ड अ पावरफुल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ शेवानी खान।
एंड इस्माइल शाह इन ईरान। ड्यू टू बाबर्स कंटिन्यूअस फेलियर अगेंस्ट उज़्बेक्स, बाबर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपांशन ऑफ हिज टेरिटरी वॉज टूवर्ड्स इन इंडिया ओनली, सो ही अटैक ऑन इंडिया। देखिए उस टाइम पर अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में जो उज़्बेक थे, ठीक है, वो शैवानी खान के नेतृत्व में, ठीक है, शैवानी खान और इस्माइल शाह के नेतृत्व में, ठीक है, ठीक है, उनकी लीडरशिप में एक बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर बना के रखा था। मतलब कि जो मध्य एशिया था, ठीक है, उसमें एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करनी थी। किसने किसने? उज़्बेक्स ने शैवानी खान और इस्माइल शाह, इन दोनों ने, ठीक है। इससे अगर हम बात करें, ठीक है, अब बाबर ने उज़्बेकिस्तान पर, या हम उज़्बेक्स की अगर हम बात करें, तो बाबर ने कई बार वहां पर आक्रमण किए लेकिन हर बार बाबर फेल होता। मतलब बाबर ने कई बार कोशिशें करी, ठीक है, लेकिन वो हर बार क्या होता रहा? असफल होता रहा, ठीक है। तो अब बाबर को ये समझ में आ गया कि भैया सेंट्रल एशिया की तरफ जाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम फिर हार जाएंगे, ठीक है, हमारा नुकसान होगा बहुत भयानक। इसीलिए अब हम सेंट्रल एशिया की तरफ नहीं जाएंगे, अब हम अपना मुंह किस तरफ मोड़ेंगे? भारत की तरफ, ठीक है। और भारत की तरफ से इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही थी, क्योंकि वहां के जो सल्तनत के सुल्तान थे उनसे बहुत से लोग नाखुश थे और वो ये चाहते थे कि बाबर आए और बाबर इसको हराएं। तो पॉलिटिकल स्पेस सेंट्रल एशिया में कम हो गया था, इस कारण से भी बाबर को भारत पर आक्रमण करना। देखिए अगर बाबर को ये लगता कि समरकंद पे मेरा चांस है, तो आप यकीन मानिए भारत पे कभी आक्रमण नहीं करता बाबर। बाबर भारत की तरफ देखता तक नहीं। शुरू से उसका था कि मुझे समरकंद उज़्बेकिस्तान में अपना शासन बनाना, लेकिन चूंकि वहां पर एक शक्तिशाली साम्राज्य सैवानी खान, जिससे ये पहले भी हार चुके थे, ठीक है, और इस्माइल शाह के नेतृत्व में बहुत ही पावरफुल सेना थी, और बाबर ने कई बार अटेम्प्ट किए लेकिन वो हार गया, ठीक है। तो बाबर को ये समझ में आ गया कि साहब सेंट्रल एशिया में अब अपनी दाल नहीं गलने वाली, तो किस तरफ चलो? चलो भारत की तरफ, ठीक है। तो भारत पर एक बहुत बड़ा आक्रमण का कारण ये भी था कि मध्य एशिया में राजनीतिक स्थान जो था उसका अभाव था, लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पेस। क्लियर हुआ? तो ये तीन रीजंस क्लियर हुए, बाबर का एम्बिशन, कंसीडर हिमसेल्फ एज द सक्सेसर ऑफ तैमूर लंग, और लैक ऑफ पॉलिटिकल स्पेस इन सेंट्रल एशिया। अगला अगर हम बात करें, ठीक, अगला विश टू गेट मनी। देखिए मैंने आपको शुरू से बताया था भारत पर जितने भी आक्रमण करता थे सबका सबसे पहला लक्ष्य होता था पैसा, क्योंकि भारत में पैसा बहुत था। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, भारत में पैसा बहुत ज्यादा था और सब किसी की निगाहें पैसे पे थी। देखिए अपने एम्पायर का एक्सपांशन करना दैट इज सेकेंडरी, लेकिन प्राइमरी उनके लिए क्या था? धन संपदा को लूटना, ठीक। तो बाबर की भी ये इच्छा थी पैसा, अपना एम्पायर तो एक्सपांड करना था, वो तो ठीक बात है, लेकिन पैसा भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए यहां पर अगर हम देखें तो बाबर्स स्टेट काबुल इनकम एंड इट्स इकोनॉमिक रिसोर्स वॉज वेरी लिमिटेड, ड्यू टू विच इट वॉज डिफिकल्ट टू रेज द एक्सपेंसेस ऑफ आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया वॉज फेमस फॉर इट्स वेल्थ, ही कुड मीट हिज नीड्स बाय गेटिंग सफिशियंट अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिया, देयरफॉर ही वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। देखिए बाबर का जो राज्य था काबुल, ठीक है, वहां पर अगर हम आय की बात करें या हम उनके आर्थिक साधनों की, इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करें, तो ये बहुत ही सीमित थे, वेरी लिमिटेड थे, ठीक है, जिसके कारण सेना का और अधिकारियों का, प्रशासन का खर्चा जुटा पाना भी कठिन हो रहा था, ठीक है। देखिए सही सी बात है कि आपका सेना या प्रशासन कैसे चलेगा जब आपकी इनकम होगी? भाई पैसा आएगा तभी तो आप पैसा बांटोगे, एक्सपेंसेस पे तभी खर्च करोगे जब आपके पास पैसा होगा। तो बाबर का जो काबुल स्टेट था वहां पर इनकम और इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत कम थे, ठीक, जिसके कारण उनको आर्मी और प्रशासन दोनों चीजों को पैसा खर्च करने में, चलाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है,
और उसी विपरीत दिशा में अगर भारत में बात करें, ठीक है, तो भारत में क्या थी, धन संपदा बहुत ज्यादा थी, भारत में क्या थी, धन संपदा जो थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो इस कारण से भी, ठीक है, ये बाबर को ये लगा, ठीक है, कि भैया भारत में से पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, मतलब अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया जा सकता है, क्योंकि भारत में पैसा बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसी कारण से भारत की तरफ बाबर का आकर्षण बढ़ा। तो समझ में आया आपको, पैसा चाहिए था बाबर अपने क्षेत्र काबुल में चलाने के लिए, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक रिसोर्सेस बहुत लिमिटेड थे भाई, आर्थिक जो संपदा थी वो बहुत कम थी। अब लिमिटेड उसमें क्या होता है कि भाई आपको आर्मी भी मेंटेन करनी है, आपको प्रशासन भी चलाना है, तो भाई उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा कम है वहां, तो जाहिर सी बात है जहां पैसा दिखेगा ज्यादा तो वहां की तरफ राजा मुड़ेगा कि साहब चलो यहीं से पैसा लेकर के और अपने राज्य में चलाएंगे, ठीक है। तो पैसा बहुत बड़ा रीजन था बाबर के आक्रमण का, क्योंकि उसको जो मध्य एशिया में जो उसका राज्य था वहां पर कोई इतना रिसोर्स मिल नहीं रहा था, क्लियर। और बाबर क्या कहे आप, सभी लोग जितने भी बाह आक्रमण करने वाले आए, आप देख लीजिए जितने भी आक्रमणकर्ता आए, उनका सबसे मेन मोटिव था भारत की धन संपदा को लूटना। शुरू से आप देखें, आप शुरू से देखें तो धन संपदा भारत के पास इतनी ज्यादा थी कि हर किसी की आंखें चौंधिया जाती थी, सोना देख के, पैसा देख के, आंखें इनकी भी चौंधिया गई, बाबर की भी, साहब इतना पैसा है इनके पास। तो भारत पर आक्रमण का धन संपदा की लूटना ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया, अब देखिए एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। देखिए बाबर ऑलरेडी पैसे को लेकर के तो भारत की तरफ निगाह थी, लेकिन भारत में उस टाइम पर पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी वो भी बहुत ज्यादा वर्सेटाइल थी। देखिए एक चीज आप याद रखिए, जब भी कभी राजनीतिक अस्थिरता किसी भी जगह पर होती है तो वो सबसे सही मौका होता है उसको गुलाम बना लेने का। आप समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है अगर वो अनस्टेबल होती है, इसीलिए आप देखिए कभी भी किसी भी देश में अगर अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो वहां पर एफडीआई भी कम होता है, वहां पर विदेश वाले लोगों का एक एक जिसे कहते हैं ट्रस्ट भी कम होता है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी आपकी कमजोरी दिखाती है। गवर्नमेंट अनस्टेबल मतलब देश अनस्टेबल, क्योंकि पता नहीं होता कब गिर जाए सरकार, किसी को नहीं पता, ठीक। तो इसी कारण से और इसी टाइम पर विदेशी लोगों का आक्रमण, वो उनके लिए सबसे सुदृढ़ टाइम होता है, और यही उस टाइम पर भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था चल रही थी, सॉरी राजनीतिक स्थिति। देखिए द दिल्ली सल्तनत वॉज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन एट द टाइम ऑफ बाबर्स इन्वेजन। देखिए इनके समय में जब भारत पर आक्रमण कर रहा था बाबर, ठीक है, उस समय दिल्ली सल्तनत जो थी उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी। मैंने आपको बताया था दिल्ली सल्तनत की कंडीशन तुगलक वंश से आनी खराब होनी शुरू हुई, जब तुगलक वंश में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद से दिल्ली सल्तनत क्या हो गया, पतन की तरफ जाने लगा था, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत जो थी वो बिल्कुल डिक्लाइन में चल रही थी। इब्राहिम लोदी, देखिए उस टाइम पर दिल्ली के सुल्तान कौन थे, इब्राहिम लोदी वॉज वन ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली, ही वॉज एन इनएप्ट एंड अनप्लेजेंट लीडर रूलर। देखिए जिस टाइम पर बाबर ने आक्रमण किया उस टाइम पर दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा था, दिल्ली की गद्दी पे कौन था, इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी एक बहुत ही अयोग्य और अप्रिय शासक था, मतलब इनएप्ट एंड मतलब इनएप्ट का मतलब होता है कोई योग्यता ही ना होना,
ठीक है, मतलब आप काबिल नहीं हो। अयोग्य का मतलब होता है कि आप नाकाबिल हो, ठीक है। तो ही वॉज एन इनेप्ट एंड अनप्लेजेंट रूलर का मतलब होता है अप्रिय शासक, मतलब एक तो अयोग्य तो हो ही, साथ ही साथ आप अप्रिय भी हो, ठीक है। मैनी अफगान सरदार्स हैज हैड बिकम हिज ओपोनेंट्स एंड वर रूलिंग एज इंडिपेंडेंट रूलर्स। देखिए, बहुत सारे अफगान सरदार जो थे, ठीक है, वो इसके विरोधी बन चुके थे, किसके, इब्राहिम लोदी के अपोनेंट बन चुके थे, और वो अपने शासन को स्वतंत्र पूर्वक चला रहे थे, ठीक है। तो स्वतंत्र पूर्वक चला रहे थे, मतलब एक तरीके से आप देखें तो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, किसका, दिल्ली सल्तनत का। किसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, दिल्ली सल्तनत का। भाई जितने भी अफगान सरदार थे वो विरोधी बन चुके थे इब्राहिम लोदी के, ठीक है, और स्वतंत्र शासक की हैसियत से शासन कर रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंट रूलर की तरह रूलिंग कर रहे थे। आप देखिए समय का चक्र कैसे बदलता है। लोग कहते हैं ना कि समय हमेशा विपरीत, या हम कहें कि वक्त लौट के जरूर आता है, ठीक है, मतलब समय जो होता है कैसे विपरीत होता है। यही पॉलिटिकल डिसेबिलिटी, या हम कहें डिसइंटीग्रेशन का फायदा दिल्ली सल्तनत के संस्थापक के गुरु मोहम्मद गौरी ने उठाया था, याद करिए। उस टाइम भी भारत में जो राजपूत शासन था वो अलग अलग बटा हुआ था, मतलब जब इब्राहिम लोदी, जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर रहा था, तब जयचंद कन्नौज से बैठ के तमाशा देख रहे थे, और इनके समय में भी यही हुआ। चूंकि अब दिल्ली सुल्तान के जितने भी अफगान सरदार थे वो सब इसके खिलाफ हो गए और अपने अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट रूल करने लगे। एट दिस टाइम मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर स्टैब्लिश्ड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया एंड वर फाइटिंग विथ ईच अदर, ठीक है। अब देखिए, इस समय पर अगर हम बात करें तो उत्तर तथा दक्षिण भारत में अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे जो एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से लड़ रहे थे। याद करिए, राजपूत भी आपस में लड़ रहे थे। देखिए हर चीज रिपीट हो रही है, राजपूत भी क्या हो रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के दुश्मन थे बहुत बड़े, कौन, जयचंद कन्नौज वाले, जबकि उनके ससुर थे, उनके क्या थे, ससुर थे। उसके बाद भी इनके बीच में वो टेरिटरी को लेकर के लड़ाई होती रहती थी। वैसे ही देखिए, अगर आप यहां पर भी देखें तो जो अफगान सरदार थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट रूलिंग करना शुरू कर दिया था, अब वो आपस में लड़ना शुरू, ठीक है, टेरिटरी के लिए क्या होने लगे थे, आपस में लड़ने लगे थे, जिसके कारण, और देखिए कोई भी लड़ाई आपस में जब होती है तो जाहिर सी बात है जीते कोई भी, लेकिन कमजोर दोनों को कर देती है। मतलब कि अगर आप दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो भले ही जीते कोई भी, लेकिन तकलीफ और दर्द दोनों को होता है, कमजोरी दोनों में आती। तो ये जो पावर की आपस में लड़ाई थी, जिसके कारण जो नेटिव स्टेट्स थे उनकी पावर क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, क्योंकि सब आपस में लड़ने लगे। और इसी बात का फायदा आप याद करिए मोहम्मद गौरी ने उठाया था, राजपूत आपस में जो लड़ रहे थे उसी का फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया था, अब बाबर उठाएगा क्योंकि ये आपस में लड़ रहे हैं, और इसी सिचुएशन का फायदा कौन उठाएगा, बाबर उठाएगा, क्योंकि बाबर एक एम्बिशियस पर्सन, भाई महत्वाकांक्षी राजा है ना बाबर, तो जाहिर सी बात है वो अपने एम्पायर को एक्सपांड करना चाहेगा, और अगर उसको दिखेगी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि भारत जैसे देश में ये आपस में ही लड़के एक दूसरे को कमजोर कर रहे हैं, तो इनको मारना आसान होगा, इनको खत्म करना आसान होगा, ठीक। तो उस टाइम पर भारत की राजनीतिक स्थिति ने भी बाबर को उकसा दिया कि साहब आपस में ये सब लड़ रहे हैं, हमें अपने एम्पायर को एक्सपांड करना है, हम इस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो उसने भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन, या हम जिसे कहें राजनीतिक स्थिति का भी बहुत फायदा उठाया। क्लियर हुआ, ठीक। तो ये था पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। मैं ये सारे रीजंस बता रहा हूं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के कारण क्या थे। अगला अगर हम बात करें, ठीक है, अगला जो रीजन था वो था इंस्पिरेशन ऑफ बाबर्स नोबल्स, इंस्पिरेशन ऑफ बाबर्स नोबल्स।
बाबर के जो आमिर हुआ करते थे या नोबल हुआ करते थे उनकी प्रेरणा, इंस्पिरेशन ऑफ बाबर्स मूवी। इट इज ऑल्सो सेड दैट बाबर गॉट द इंस्पिरेशन टू अटैक इंडिया फ्रॉम वन ऑफ इट्स नोबल्स। मतलब कि ये कहा जाता है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है, उसको अपने ही एक नोबल से मिली थी। बाबर मेंशन दिस इन बाबरनामा। देखिए बाबरनामा कौन थी? बाबर की आत्मकथा। क्या थी? बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा। ठीक है, तो इसने बाबरनामा में ये बात बताई है। ठीक है, इसने बताया बाबरनामा में, गो अहेड एंड टेक पोजिशंस ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। मतलब कि बाबर ने बताया, इसका उल्लेख करते हुए कहा, इसलिए आगे बढ़िए, मतलब उसके नोबल ने ये बात कही, इसलिए आगे बढ़िए और संसार के सर्वश्रेष्ठ देश पर अधिकार कर लीजिए। मतलब इनके एक नोबल ने बताया कि भारत जो है बड़ा विकसित है, बहुत सारा पैसा है वहां पर, तो इन्हीं के एक नोबल के इंस्पिरेशन के कारण भी बाबर ने आक्रमण किया। उसने बताया कि ये आपके लिए सही समय है, इस वक्त भारत पर आक्रमण कीजिए और विश्व की सबसे बेस्ट कंट्री पर रूल करिए। ठीक है, मतलब संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश भारत पर अधिकार कर लीजिए। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इस्टैब्लिश अ किंगडम बियॉन्ड द इंडस टू विच यू फोर फादर हैज शोन द वे, गो एंड सेट अप योर कोर्ट इन द हार्ट ऑफ इंडिया एंड एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट द स्नो एंड फ्रोस्ट ऑफ द तरतरी, एवरीथिंग बिकॉन्स यू टू द साउथ। ठीक, मतलब इसमें क्या है, इन्होंने बताया सिंध के उस पार, मतलब ये सारी बातें उसको वो नोबल बता रहा है, सिंध के उस पार, चूंकि सिंध के उस पार भारत आता था, तो सिंध के उस पार एक साम्राज्य की स्थापना कीजिए। मतलब यू शुड एस्टैब्लिश अ किंगडम बियॉन्ड दी इंडस रिवर, जिसके लिए आपके पूर्वज मार्ग दिखा गए हैं। याद करिए, तैमूर लंग का वंशज है ये, और तैमूर लंग पहले ही भारत पर आक्रमण कर चुका है, तो वो यही याद दिला रहे हैं कि जो आपके पूर्वज या फोर फादर करें, उन्होंने वो रास्ता आपको दिखाया था, टू विच योर फोर फादर्स हैव शोन द वे। ठीक है, मतलब कि उनके अनुसार आपके जो पूर्वज थे उन्होंने मार्ग आपको दिखाया, जाइए और हिंदुस्तान के मध्य में अपना दरबार लगाइए और तात्री की बर्फ और तुषार को छोड़कर हिंदुस्तान के सुखों का आनंद लूटिए। मतलब कि दो चीजें, सिर्फ स्नो एंड फ्रोस्ट ऑफ दी तरतरी, एवरीथिंग बिकॉन्स टू यू टू द साउथ, ठीक है, एंजॉय दी प्लेजर ऑफ इंडिया। ठीक, मतलब ये सारी बातें किसने बताई? बाबर के एक नोबल ने बताई। ठीक है, तो उससे इंस्पिरेशन, इन सारी बातों को सुन, देखिए कई बार क्या होता है ना, कोई कोई लोग लालच दिखाते हैं, जिसे कहते हैं भाई आपको इस पर राज करना चाहिए, इतनी सुंदर सिटी है, ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, तो इसने भी भारत, बाबर को क्या किया, उकसाया भारत की तरफ आक्रमण करने, क्योंकि भारत के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई गई उनके नोवेल्स के द्वारा, कि साहब इतने बड़े और ऊपर से आपके पूर्वज इसका रास्ता पहले ही बना गए थे। मतलब उन्होंने बात करी तैमूर लंग की, कि भाई तैमूर लंग ने तो उसी वक्त आक्रमण किया था भारत पर, ठीक, और आप तो उन्हीं के वंशज हैं, आप तो उन्हीं के वंशज हैं, तो आपका तो आक्रमण करना बनता है। ठीक, तो मतलब एक तरीके से नोबल क्या कर रहे थे, बाबर को चने के झाड़ पे चढ़ा रहे थे। ठीक, तो गॉड हैज ब्रॉट यू टू काबुल एंड मेड यू स्टैंड ऑन द वे टू इंडिया। देखिए उन्होंने साफ साफ कहा नोबल्स ने कि देखिए भारत की तरफ काबुल तक लाने वाले ईश्वर थे आपको, और अब भारत की तरफ ले जाने वाले भी कौन है, ईश्वर। बात समझे आप? ठीक है, तो ईश्वर ने आपको काबुल तक लाया और हिंदुस्तान के मार्ग पर खड़ा कर दिया। भाई काबुल से ही तो इंडिया जाएंगे, और कहां से जाएंगे इंडिया, इंडिया काबुल से ही होकर जाएंगे नॉर्थ वेस्ट रीजन से। तो आपको ईश्वर ने क्या किया, काबुल तक लाया है
और भारत की तरफ जाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। ठीक है, इट इज द कमांड ऑफ गॉड एंड मोहम्मद दैट यू शुड डिस्ट्रॉय द आइडोलट्री ऑफ द इंडियंस। देखिए इनको अब थोड़ा सा धार्मिक उसमें भी उकसाया गया, मतलब इनको बताया गया कि ईश्वर, मतलब इनके जो पैगंबर है, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद और ईश्वर, इनकी आज्ञा है कि आप भारतीयों की मूर्ति पूजा का नाश करें। देखिए भारतीयों की मूर्ति पूजा इन लोगों की निगाह में शुरू से थी, अगर आप देखें महमूद गजनवी के टाइम से इस्लाम धर्म का जो आक्रमण था भारत पर वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजन के खिलाफ था। तो इनको भी इस तरीके से उकसाया गया कि आपको ईश्वर या हम कहें तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये आदेश दिया है कि आप भारत में मूर्ति पूजन को खत्म करें। ये सब कौन बता रहे हैं, उनके नोबल्स बता रहे हैं। इट मस्ट हैव हैड अ डीप इंपैक्ट ऑन बाबर। देखिए इन सारी बातों को सुन के बाबर का जो मन था वो उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ा। देखिए बाबर पहले भारत पर आक्रमण करना नहीं चाहता, ये सारे रीजंस हुए जिसके कारण उसको भारत पे आक्रमण करना। ठीक है, तो ये सारी बातें जो बताई गई, ठीक है, ये बहुत गहरा असर डाला बाबर के ऊपर कि भाई इतने अच्छे देश को आप छोड़ रहे हैं, इतना बढ़िया देश है, काबुल तक आप आ चुके हैं, भगवान ने आपको भारत के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो ये सारी बातें बड़ी गहरी लगी बाबर को। ठीक है, तो अबव स्टेटमेंट ऑल्सो गेव एन इंप्रेशन दैट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बाबर्स इन्वेशन ऑफ इंडिया वॉज टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम बाय एनलाइटिंग एलिमिनेटिंग आइडोलट्री। तो देखिए इस्लाम भी आ गया यहाँ पर, ठीक है, इस्लाम भी आ गया। तो इन सारी बातों से एक बात का आभास मिलता है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण का एक और उद्देश्य था मूर्ति पूजन को समाप्त करना। ठीक है, बाय एलिमिनेटिंग आइडोलेट्री, मतलब मूर्ति पूजन को क्या करना, खात्मा करना। ठीक है, और इस्लाम का प्रभाव बढ़ाना। ठीक है, इस्लाम का प्रभाव क्या है, बढ़ाना। बट बाबर वॉज मोटिवेटेड नॉट बाय रिलीजियस मोटिव बट बाय इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अच्छा देखिए एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो कहा जाए तो भारत में बाबर का आक्रमण का एक कारण ये भी था इस्लाम धर्म को फैलाना, लेकिन भारत पे आक्रमण के लिए जो बाबर था, ठीक है, उसने जो उकसावा जो लिया, ठीक है, उसने धार्मिक उद्देश्य से नहीं किया, रिलीजियस मोटिव नहीं था उसका, उसका शुरू से आर्थिक और राजनीतिक मोटिव था, उनका रिलीजियस मोटिव नहीं था बाबर। आप एक बात समझिए, आपको दिल्ली सुल्तान और मुगलों के बादशाहों में एक फर्क समझ में आया। दिल्ली सुल्तानों ने कभी भी भारत को अपना देश नहीं माना, उन्होंने भारत को कभी अपना घर नहीं माना, वो हमेशा विदेशियों के हिसाब से ही चलते थे और वो सिर्फ अपने आप को मुसलमानों का राजा कहते थे। लेकिन अगर आप मुगलों की बात करेंगे, इनके ऐसे नहीं थे। आप देखें अगर आप मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था, वो बाहरी थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यहां पर अपना साम्राज्य बसाया वो यहीं के हो गए। अकबर तो ये बात कहते थे, मैं तो हिंदुस्तान का हूं, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, वो भारत को अपना घर मानते थे। ये फर्क था मुगलों में और दिल्ली सल्तनत में, वो भारत को अपना घर मानते थे। और भारत में उन्हों को अपना घर क्यों माना, क्योंकि उनका रिलीजियस मोटिव नहीं था, उनका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोटिव था। और वो ये जानते थे, आप देखें अगर आप आगे पढ़ेंगे, वो ये जानते थे कि मूर्ति पूजन करने वालों की यहां पर मेजोरिटी है, हम सबको नहीं दबा पाए, अगर हमें इन पर राज करना है तो हमें अपनी टॉलरेंट पॉलिसी रखनी पड़ेगी टुवर्ड्स अदर रिलीजन, हमें सहिष्णु बनना पड़ेगा। अकबर के बारे में देखिए, अकबर की पॉलिसी बहुत ही लिबरल और सेकुलर पॉलिसी थी, क्योंकि वो अपने आप को पूरे हिंदुस्तान का बादशाह मानते थे,
वो अगर मुसलमानों के राजा थे तो वो हिंदुओं के भी राजा अपने आप को मानते थे, इसीलिए आप उनकी राजपूत पॉलिसी, मैं ये सारी पॉलिसी आगे पढ़ेंगे आप, उनकी राजपूत पॉलिसी देखेंगे आप, क्योंकि वो सेक्युलर एक तरीके से उनका जो चलता था वो लिबरल थे दूसरे धर्मों को लेकर। इवन जहांगीर और शाहजहां भी, हाँ थोड़े से औरंगजेब जो थे वो थोड़े से कट्टर इस्लामिक थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके दरबार में हिंदू नहीं थे, उनकी तो फौज में सबसे ज्यादा हिंदू थे, उनकी तो फौज में सबसे ज्यादा हिंदू थे। तो इसलिए मुगलों के कंपैरिजन में दिल्ली सल्तनत अलग, क्योंकि देखिए साफ साफ क्या दिख रहा है, बाबर का मोटिवेशन रिलीजियस मोटिव था ही नहीं कभी। वो ठीक है कि एक रीजन था कि भाई अब इस्लाम, अब हम खुद इस्लामिक हैं तो जाहिर सी बात है हम जब जाएंगे तो थोड़ा बहुत इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन ये उनका एग्जैक्ट मोटिव नहीं था। मोटिव उनका क्या था, आर्थिक और राजनीतिक। समझ में आया आपको? तो इंस्पिरेशन समझ में आई आपको बाबर की, ठीक है, नोबल्स की इंस्पिरेशन थी, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक ठीक तो यहां तक जो रीजंस थे बाबर के, ठीक है, बाबर के भारत पर आक्रमण के कारण, ठीक, एक एक करके हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था बाबर की महत्वाकांक्षा, ठीक। दूसरा क्या था, ही वॉज कंसीडर्ड एज द सक्सेसर ऑफ तैमूर लंग, तैमूर लंग का अपने आप को सक्सेसर मानता था बाबर, ठीक। उसके बाद बात करें तो मध्य एशिया में राजनीतिक जो अस्थिरता थी उसके कारण, ठीक है, पैसा चाहिए था, पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक। और इसके बाद जो था, जो इनके नोबल्स थे उनका भी इंस्पिरेशन, ठीक। तो ये बाबर के जो कॉजेस थे कि किस कारण से बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को ये, ठीक। आज की क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं। अब कल जो हम पढ़ेंगे वो देखेंगे कि भारत पर बाबर ने आक्रमण कौन कौन से किए। तो कल जो हम देखेंगे वो देखेंगे बाबर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कौन से युद्ध बाबर ने लड़े भारत में, उसमें क्या क्या, उसका क्या क्या परिणाम निकले, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एक चीज याद रखिएगा, मुगलों के टाइम पर युद्ध बहुत सारे हुए। अब आपको युद्धों पे उनकी पर्टिकुलर डेट, किन किन के बीच हुआ और रिजल्ट क्या रहा, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब हम बाबर के भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम देखेंगे कि उन्होंने कहाँ कहाँ आक्रमण किया, ठीक। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।